धान के फूलों से भरी पिकअप वैन हाई टेंशन लाइन से टकराई। आग बुझाने के प्रयास में झुलसा पिकअप चालक। नीची हाई टेंशन लाइन टकराने से पिकअप वैन में लगी आग। पिकअप वैन में आग लगता देख चालक समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंच सकी फायर ब्रिगेड। सिकंदराबाद के गांव आढ़ा के जंगलों का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप सनौ बीरपाल सिंह, गांव बिलसूरी। बिलसूरी, ये आग कैसे लगी इसके बारे में आप बताएं। सर, इसमें ये आग ऐसे लगी है, ये हाई टेंशन जो लाइन जा रही है इसमें तार टच हुए। गाड़ी आ रही थी एक पूले भर के, उसमें टच होके ये उससे आग लगी है। वो गाड़ी जाके आ गए, हमने अपने खेत में पानी भर रहा था उसमें जाके खाली करवाई, इसमें आग जबकि जो की तो लगी रह गई। और उसके बाद में वो 102 नंबर की जो गाड़ी होती है फायर ब्रिगेड वाले की, वो आई, वो रोड तक आके वापस चली गई। उसे पता नहीं, उन्होंने गांव वाले ने नहीं आने दिया या वे अपने आप नहीं लेकर आए, ये हमें कोई पता नहीं है। दमकल विभाग की तरफ से आग नहीं बुझाई गई? नहीं बुझाई गई। अच्छा अच्छा, तो इसमें नुकसान कितना है, किसका नुकसान है कुछ बताएं? नुकसान आप ही देख सकते हो सर, कितना नुकसान है इसमें। करीबन 2 बीघे का तो इन भाइयों को नुकसान है, करीबन 3-4-6-7 हज़ार रुपए का। और ये मेरा देखो उधर, आप भी देख सकते हो उधर जाके, और लोगों ने जैसे तैसे भग के अपनी जान बचाई है इसमें। तो जहाँ ये आग लगी हुई है उसके पास कोई और धान है क्या खड़ी हुई? ये ना रे, उधर भी आग लगी है उसमें भी। क्या नाम आपका? भोजन। किस गाँव से हैं आप जी? हादसा कैसे हुआ इसके बारे में आप बताएं। हादसा आज हुआ है गाड़ी आज अभी? हाँ ना, कैसे कैसे हुआ इसके बारे में बताएं आप। भूला भर कर ला रहे जम पर ऐसे ही, नंगलाल साइड से जा रहे हैं, तार टच होगा, तार है बहुत नीचे, और इधर गांव में भी बहुत नीचे तार में, वो इधर से ले चलेंगे इधर होते हैं। आग लग गया, आग लगने के बाद आधा किलोमीटर गाड़ी फिर मैंने पीछे भगाई है, जहाँ ट्वेल्व चल गई, जब वहाँ जा खेत में पलटी है गाड़ी, जब पब्लिक ने आग बुझाई। तो दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची मौके पर? नहीं पहुंचे, आगे थी जी वो, लेकिन गाड़ी वहाँ तक जाने के रास्ता इतना ना था तो गाड़ी मुड़ जाए, लेकिन फिर भी यहाँ से मुड़कर वो बाद में पहुंची, वो बुझा दी हमने।